वहीं नरसिंहपुर जिले में भाजपा के जिला कार्यालय में केंद्रीय नेतृत्व की मंशानुरूपी केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के प्रावधानों के संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर हमला किया। मंत्री पटेल ने कहा कि जीतू पटवारी जिस पार्टी से राजनीति करते आए हैं उस पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उन्हें हर जगह ऐसा नहीं नजर आना चाहिए। इससे के साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति करनी तो है तो सरकार के कटघरे में खड़ा करें, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ब्यूरोक्रेसी को घसीटना उचित नहीं है। जीतू पटवारी जिस पार्टी में है उस पार्टी की सरकारें जब भी रही हैं घोटाले की और हमेशा से उनकी सरकार में भ्रष्टाचार की रोज खबर देखने को मिलती थी। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में काम कर रही है और एक भी नए पैसे का घोटाला का आरोप कांग्रेस नहीं लगा पाई है। तो इस बेस सिर पैर की बातें करके जीतू पटवारी जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए उनको, लेकिन मेरी एक उनसे विनती है कि कम से कम राजनीति करने के लिए राजनीतिक प्रतिपक्ष को ही निशाना बनाए, कार्यपालिका को इससे दूर रखा।